देखिए बाकी तो मैंने आपको बता दिया है, महत्वपूर्ण तरीके से जो मैंने अपनी बातें मुझे रखनी थी मैंने रख दी है। इस उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भीम आर्मी का कार्य था वो नहीं हो रहा है। दलित समाज बिल्कुल निराश है। जो दलित समाज को उपेक्षाएं थी भीम आर्मी से, वो दलित समाज की उपेक्षाएं खत्म हो चुकी है। दलित समाज एक बदलाव चाहता था, भीम आर्मी एक मिशन पे काम कर रही थी, शिक्षा पे काम कर रही थी, वो मिशन भटक चुकी है। और इस यहाँ उत्तराखंड के अंदर इतनी गुटबाजी हो चुकी है कि कहीं पे भी आज जाइए एक गांव में आपको दो पार्टी खड़ी मिलेगी। तो इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं काम कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहता हो कि मैं संगठन को यहाँ खत्म कर दूंगा, तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता कि आप संगठन यहाँ चला लो। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर उस दिन कैडर हुआ, भीम आजाद समाज पार्टी के जो चुनाव कैडर हुआ था, समीक्षा बैठक हुई थी जो रामपुर चुंगी पे, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने 500 लोगों के सामने कहा था कि संगठन बिल्कुल जीरो कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे? वो ये कह रहे थे कि मेरे से ज्यादा चलती है यहाँ किसी की नहीं चलती, पार्टी खड़ी कर दूंगा, संगठन को खत्म कर दूंगा। तो ये चीज समझिए आप, पार्टी प्रमोट हो रही है, संगठन की विचारधारा खत्म होती जा रही है, और सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति अगर हमें भी करनी होगी तो हम भी कर लेंगे। हमें तो सबसे पहले समाज का काम करना है ना। हम जुड़े थे सिर्फ और सिर्फ संगठन में, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ा मामला हुआ हिंदू मुस्लिम हुई डाटा जलालपुर, ऐसा हुआ। साइलेंट तो कोई किसी को नहीं कर सकता, अपने अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए। आपकी एक इमेज अगर आप समाज में या समाज में बना चुके हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपको साइड कर दे। जब डड्डा जलालपुर में मामला हुआ, हमने संस्थापक महोदय को फोन किया, हमारा फोन काट दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पार्टी के लोगों को भेजा जाता है। तो संगठन की जरूरत क्या है हमें ये बताइए ना। संगठन दलित मुस्लिम बहुजन समाज के लिए जब बनाया गया था, तो आज उस पर आज काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों भीम आर्मी को दबाया जा रहा है? मैं संस्थापक महोदय से पूछना चाहता हूँ, आइए डिबेट करिए, मुझे बताइए। आजाद समाज पार्टी को यहाँ चलाया जा रहा है क्योंकि ये मूवमेंट लोग भूल चुके हैं, ये राजनीतिक, ये पूरा का पूरा मूवमेंट राजनीतिक हो गया है। जिस बस यही है, प्रमोट करना सिर्फ पार्टी को। अभी कैडर हुआ था, कई लोगों का चंद्रशेखर आजाद जी जवाब नहीं दे पाए प्रत्याशी का। हाजी समीर साहब जी ने जो खानपुर के प्रत्याशी थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था, उसका आज तक जवाब नहीं दिया चंद्रशेखर जी ने। क्यों नहीं दिया जी? अब कहाँ है दिखाइए, देखे ना आप। अभी एक तो भगवानपुर विधानसभा में, हसनपुर में चल रही है, और खानपुर विधानसभा में कहीं एक दो जगह चल रही है। क्यों रोका जा रहा है काम करने के लिए, बताइए ना मुझे, जवाब दीजिए मेरी बात का, क्यों रोका जा रहा है? जब ये मुन्नीलाल सिंधे, आप भी पत्रकार महोदय देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से, जहाँ भी कहीं बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, या कहीं भी इस दुख की घड़ी में बहुजन समाज के साथ हम 24 घंटे खड़े रहते हैं और सर्व समाज के साथ भी रहते हैं, तो हमें बताइए ना, हमारी कमी बताइए ना। अगला कदम आपको जल्दी टीम के साथ, नहीं अभी आपको बता दिया जाएगा। संगठन कोई भी पार्टी, देखिए हम वहाँ काम करेंगे जहाँ हमारे हितों की बात होगी, दलित समाज के हितों की बात होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, पार्टी की माँ भीम आर्मी है, पार्टी की माँ भीम आर्मी है, भीम आर्मी एक माँ है और आजाद समाज पार्टी एक बच्चा है। लेकिन देखिए अंदर खाने गुटबाजी चल रही है, ये लोग बसपा की तरह ये लोग इस संगठन को खत्म करना चाह रहे हैं, और हम जो दलित समाज में बहुजन समाज में जो संगठन काम करने वाले हैं, हम खत्म नहीं होने देंगे जब तक हमारे एक एक कतरा खून के, हमारे शरीर के अंदर खून का कतरा, हम इस बहुजन समाज को मूवमेंट को खत्म नहीं होने देंगे।